तो ये फाइट देखना होगा। एफजी के वहां पे एक प्लेयर जो है वो नॉकआउट हुए हैं। टीम ब्रॉलर्स का जो कि इंतजार कर रहे हैं इसी चीज का, वो लोग इंतजार कर रहे हैं वहीं पर। सोल वाइपर जो है वो फाइट लेते हुए टीम एक्स के साथ, टीम एक्स के वहां पे जो परितोष है वो नॉकडाउन हो गया, स्काउट जो है वो नॉकडाउन हो चुके हैं। तो टीम एक्स के लिए अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आती हुई, एंड आगे जो रेगिल टॉस है वो अब फाइनल यहाँ पे फिनिश कर देंगे आखिरी बचे प्लेयर को। रौनक वहां पे निकल रहे हैं, तो रौनक का जो डिसीजन है वो यही है। वहीं पर ओएस जो है वो बचे, एंड यूएमपी से स्प्रे कर दिया एंड नॉकडाउन कर दिया। तो टीम सोल जो है यहाँ पे हावी होती हुई टीम एक्स के आगे। वहीं पर मॉर्टल जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट एंगल से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। वहीं पर अगर हम बात करें रौनक की, तो टीम एक्स जो है वो एकदम से पूरी की पूरी बैकफुट पे नजर आ गई है। दोनों ही जो टीमें थी वो सर्कल के बाहर से सर्कल के अंदर तक गाड़ी में आई थी, एंड बिल्कुल एक दूसरे के साइड बाई साइड चल रहे थे। एंड आखिर जो फाइट हुआ इनका सर्कल के अंदर डोब्रो मेस्तो में, वहां पर जो टीम एक्स थी वो पूरी बैकफुट पे नजर आई। रौनक अब इकलौती उम्मीद यहाँ पे टीम एक्स के लिए। वहीं पर एफजी और ओआरबी का फाइट हो चुका है। वहीं पर जो टीम सोल है वो भी एक्शन में नजर आती है। वहां पे एक प्लेयर नॉकडाउन हुआ है, जो सोल के फ्रॉस्ट है वो नॉकडाउन हुए, एंड एक प्लेयर जो रेगल टॉस है उनको तो भैया फिनिश कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो टीम सोल जो है जो कि एक सही पोजीशन पे नजर आ रही थी, अब थोड़ा सा उनके लिए भी प्रेशर बनता हुआ। वहीं पर मॉर्टल जो है वो इंतजार करते हुए, वाइपर जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस कंपाउंड को यहाँ पे रोके, यहाँ पे हटना चाहेंगे। वहीं पर गॉडल की जो टीम है शायद वो लोग डायरेक्ट जो है वो फाइट ले सकते हैं। आखिरी बचे प्लेयर जो है फ्रॉस्ट को यहाँ पे फिनिश करने के लिए जो एंटो है वो थोड़ा सा आगे आए। वहीं पर एक बहुत ही प्यारा नेड आया था, वाइपर ने नेड डाला था ये सोच के कि गॉडल के जो प्लेयर है उनको नॉकडाउन करेंगे, लेकिन दूसरे वाले नेड ने यहाँ पे काम कर दिया, गॉडल के जो एंटो थे उनको नॉकडाउन कर दिया, लेकिन पहले वाला जो ग्रेनेड था उससे अपने ही जो प्लेयर जो नॉकआउट पड़े हुए थे उनको फिनिश कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड जो था वो वाइपर की तरफ से आता हुआ, एंड उसके बाद जो कीकी ओपी है इकलौती उम्मीद यहाँ पे टीम गॉडेल के लिए। क्या एंटो को बचा पाएंगे? एंटो का जो डिसीजन था वो शायद यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव वाला था, एंड अब थोड़ा सा यहाँ पे उनको फायर बैक कर गया है वो, क्योंकि जो टीम सोल है अब मैच को पलटते हुए एंड नॉकआउट कर दिया। तो सोल मॉर्टल को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया कीकी ओपी ने, एंड बिल्कुल लास्ट एचपी पे बचे थे, पहले से एम लेके बैठे हुए थे वहां पे मॉर्टल। तो सिचुएशन जो है वो 2v2 की बनी हुई है, लेकिन एंटो को मेरे हिसाब से बचा नहीं पाएंगे। कीकी ओपी यहाँ पे डायरेक्ट रश करने वाले कि नहीं करने वाले ये देखना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से रश करना चाहिए, क्योंकि मॉर्टल जो है मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हेल्थ जो है वो रिकवर कर पाएंगे। वहीं पर वाइपर जो है वो फ्रंट पे आते हुए, वहीं पर मुझे लगता है एक और नेड वाइपर की तरफ से देखने को बनता है। जो भी गाड़ी आसपास थी उसको फोड़ने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एंटो को बचा लिया गया है, एंड एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रिवाइव जो है वो देखने को मिलता है। एक नेट जरूर वहां पे गया, एक मॉली वहां पे जरूर गई है, लेकिन किसी भी तरह का जो कनेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता। वहीं पर एनएक्स के जो प्लेयर है वो प्ले जोन से नॉकआउट हो जाएंगे, एंड गॉडल की जो टीम है वो यहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि व्हीकल उनके पास नहीं है, तेज मूवमेंट वो कर नहीं सकते। टीम आरजी जो है वो भी यहाँ पे फाइट लेती हुई नजर आती है, एंड गॉडल कि जो टीम है वो लगातार अब बैकफुट पे है। वाइपर क्लोजिंग कर चुके हैं, कीकी ओपी वर्सेस वाइपर, एंड वाइपर फिनिश कर देंगे भैया। तो टीम सोल जो है वो स्टिल अलाइव, एंड गॉडल जो है वो इस मैच से बाहर हो जाएगी। वहीं पर जो टीम आरजी है वो फाइट लेते हुए,